IPL 2023 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है और एक एक करके कोलकाता नाइट राइडर्स के वो खिलाड़ी जो इस समय अपनी किसी टीम के साथ बिजी नहीं है वो एक एक करके अब ट्रेनिंग कैंप में पहुंच रहे हैं और खुद KKR के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसमें हमें वो भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि अब भारत का डोमेस्टिक सीजन जो है वो खत्म हो चुका है और कुछ खिलाड़ी जो कि टीम इंडिया के साथ इस समय एंगेज नहीं, अब KKR के कैंप में पहुंच गए हैं। इसमें आप नीतीश राणा, रिंकू सिंह, नारायण जगदीशन जैसे खिलाड़ियों को भी देख सकते हो। तो KKR ने थोड़ी पहले तैयारी शुरू कर दी है एंड आई एम श्योर कि एक एक करके सभी टीमें अपना कैंप लगाएंगी और IPL 2023 जो कि 31 मार्च से शुरू होने वाला है उसकी तैयारियां करेंगी। उसके अलावा काफी सारे KKR के फैंस अपने शेड्यूल को लेकर के मेरा कुछ ओपिनियन जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से शेड्यूल हमने देखा है, जिस तरीके से BCCI ने शेड्यूल जारी किया है, उससे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम कॉम्बिनेशन और परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा था कि सिर्फ 4 स्टेडियम में और एक शहर में, दो शहर में पूरा IPL निपटा दिया गया था। प्लेऑफ जरूर कोलकाता में खेले गए थे लेकिन उसके अलावा जो पूरी की पूरी लीग स्टेज थी वो आपकी महाराष्ट्र के छोटे ग्राउंड में खेली गई थी जहां पर बल्लेबाजियों के लिए परिस्थितियां लगभग एक जैसी थी और अच्छी थी। उससे पहले हम UAE में IPL खेल रहे थे लेकिन इस बार होम एंड अवे फॉर्मेट आ गया है जो कि काफी ज्यादा ट्रिकी होता है और टीम्स को आदत नहीं है। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि पिछले 3 सालों से 4 सालों से बल्कि जो आपकी टीम्स हैं उनको थोड़ा सा एक साथ रह करके खेलने की आदत बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा था जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के शेड्यूल पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहला मैच वो खेलेंगे पंजाब किंग्स के सामने और मैच दोपहर को शुरू होगा, विच इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बिकॉज आप डबल हेडर से IPL की तकरीबन शुरुआत कर रहे हो। अगले दिन आपको डबल हेडर देखने को मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव है बिकॉज डबल हेडर्स में क्या होता है, टूर्नामेंट की शुरुआत में एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आप वहां पर डबल हेडर्स करवाते हो तो आपको ज्यादा व्यूअर्स मिलेंगे कंपैरेटिवली जो आप मिड सीजन में डबल हेडर्स करवाते हो। तो पहला मैच दिन का है कोलकाता नाइट राइडर्स का। उसके अलावा आप देखो तो यहां पर सारे मैच तकरीबन रात के हैं, पहला मैच 3:30 बजे से, दूसरा 7:30, उसके बाद फिर एक डे मैच अहमदाबाद में GT के खिलाफ, देन कोलकाता में टीम खेलेगी, उसके बाद मुंबई जाएगी, उसके बाद फिर दिल्ली में मैच होगा, फिर कोलकाता में मैच होगा, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, कोलकाता, कोलकाता, चेन्नई एंड कोलकाता। और अगर आप टीम्स देखो तो कोलकाता में उन्हें पंजाब से खेलना है, GT से खेलना है, राजस्थान से खेलना है, लखनऊ सुपर जायंट से खेलना है, RCB से खेलना है, SRS से खेलना है और चेन्नई सुपर किंग्स से खेलना है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ईडन गार्डन्स का मैदान अगर आप देखो तो वो मैदान थोड़ा छोटा हो गया है कंपैरेटिवली जितना साइज उसका हुआ करता था, थोड़ा सा श्रिंक डाउन कर दिया गया है। और उस समय जब कोलकाता नाइट राइडर्स ईडन गार्डन्स में खेला करती थी और उनकी डोमिनेंस हुआ करती थी वो था गौतम गंभीर की कप्तानी का समय और वहां पर KKR के जो स्पिनर्स थे खास करके सुनील नारायण, पीयूष चावला, शाकिब अल हसन तब भी KKR का हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद कुलदीप यादव भी उस टीम से जुड़ गए थे बाद में। तो वहां पर काफी ज्यादा स्पिन डोमिनेंट ये टीम थी और अभी भी टीम स्पिन डोमिनेंट थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन जो कंडीशंस हैं वो बल्लेबाजी को बहुत ज्यादा फेवर करती हैं। और KKR की बल्लेबाजी भी अगर आप देखो तो इस टीम में जैसे मैं आपको रिपीटेडली बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा पेस हिटर आपके पास नहीं है। इनफैक्ट अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन देखो तो चाहे वेंकटेश अय्यर हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे नीतीश राणा हो, इवन आंद्रे रसल फॉर दैट मैटर एंड शाकिब अल हसन जैसे जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन को खेलने में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पिन हिटर वो कमाल के हैं खास करके विगवेंकी, श्रेयस और नीतीश। लेकिन जहां पर बैक ऑफ लेंथ पेस होती है या फिर बहुत तेजी से रन बनाना होता है, शुरुआत का पावर पे अगर आप उठा करके देखो तो वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को जो है वो काफी ज्यादा परेशानी आती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कोलकाता में थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाओ जैसा कि हुआ करता था तो KKR थोड़ी सी ज्यादा बेनिफिट उठा सकती है और इसीलिए मुझे लगता है कि चेपॉक जैसा ग्राउंड हो गया, दिल्ली हो गया, इवन अहमदाबाद क्योंकि वो बड़ा ग्राउंड है, वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतना ज्यादा आसान होगा। होम कंडीशंस इस बार थोड़ी सी उल्टी जरूर पड़ सकती है, देखना होगा कि ये नाइट टीम अपने होम में किस तरीके से खेलती है बिकॉज ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये कई सीजन से वहां पर नहीं खेले हैं और कुछ तो पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बने हैं। ऐसे में रसल हो गए, आपके शाकिब हो गए, लोकी हो गए, नरेन हो गए, इनका इंपैक्ट कैसा रहेगा उस पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से
जहां पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स थोड़ी सी ज्यादा प्रभावशाली हमें दिखाई देगी, लेकिन जहां पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस अच्छी होंगी वहां पर टीम की जो बैटिंग है उनको थोड़ा सा अपना हाथ खड़ा करना होगा और उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। तो अब इस पूरे मसले पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि केकेआर ने जिस तरीके से यूएई में परफॉर्मेंस दी थी, जिस तरीके से धीमे विकेटों पर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, क्या अच्छी बैटिंग विकेट्स पर वो इस साल परफॉर्मेंस पाएंगे, बिकॉज लास्ट ईयर आप उनके स्पिनर्स उठा लो उनका उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं था, खास करके वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों का। तो क्या इस साल वो थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अगर ऐसा है देन मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज जो भी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट होती है उसके ऊपर मैं यहां पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ चीजें बिहाइंड द सीन्स इस समय चल रही है, जल्द ही आपको उसके बारे में अपडेट दूंगा। आई एम सॉरी अगर उस पर थोड़ा सा समय लग रहा है, कई वीडियोस में ये बोल चुका हूं, बट यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।